The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगले एक घंटे के अंदर 50 लोग मर जाएंगे। जी हाँ, अगले एक घंटे के अंदर 50 लोग मर जाएंगे। क्यों? टोबैको की वजह से। टोबैको, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, टोबैको, तंबाकू की वजह से, तंबाकू के वजह से मर जाएंगे, क्योंकि तंबाकू 25 से ज्यादा खतरनाक जानलेवा बीमारियों का कारण है, इंक्लूडिंग कैंसर, ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, फलाना फलाना कैंसर, एटसेट्रा एटसेट्रा कैंसर। आपके शरीर के ऊपर उसके रत्ती भर भी अच्छे इफेक्ट नहीं है, बुरे इफेक्ट है, जानते हुए भी तंबाकू के पत्ते पे लिखने के बावजूद आप खाते हैं, सब खाते हैं, वो कई लोग खाते हैं। और ये रिस्क फैक्टर है, आप याद रखिए, बहुत बड़ा, आपके किसी एक बीमारी का नहीं, ये सारी बहुत सारी बीमारियां बढ़ाता है। अल्टीमेटली ब्लड फ्लो भी कम करता है आपके शरीर में हर जगह जाने के लिए, जाते हुए ब्लड। WHO के अगर हम वर्ल्ड वाइड डेथ रेट को माने, पूरी दुनिया में एक साल में 4 मिलियन लोग टोबैको, तंबाकू से मरते हैं। 4 मिलियन लोग तंबाकू से मरते हैं। और ये ड्रग, जितने सारे इलीगल ड्रग्स हैं, या अल्कोहल है, दारू से जो मरते हैं, इलीगल ड्रग्स से जो मरते हैं, उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधे दवाई लेने से मरते हैं, उन सबको मिला के उन सबसे ज्यादा है तंबाकू से, टोबैको, सोचो। और इस 2020 से लेके अर्ली 2030 तक ये 4 मिलियन से एक्सपेक्टेड है कि ये 10 मिलियन तक पहुंच जाएगा, डेथ का जो नंबर है, याद रखिए। और इसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी 7 मिलियन तक पहुंच चुकी है। सो भाई, 7 मिलियन डेथ होने वाली है, इतनी डेथ होने वाली है, मतलब बहुत खतरनाक हालत है टंबाको खाने वालों का। तो दुनिया में पी रहे लोग, अंधा पी रहे हैं, पागलपन लगाई पड़ी है। 47% ऑफ मेन एंड 12% ऑफ वुमेन स्मोक, ये स्टडी में देखा गया था, और ये US की स्टडी है, इंडिया में पता नहीं कितना होगा। और उसमें 6 ट्रिलियन सिगरेट, ट्रिलियन क्या होगा, बिलियन, ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन सिगरेट्स एक साल में यूज होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और बहुत बुरी हालत है कि इतने सारे लोग नॉलेज होने के बावजूद समझते नहीं हैं और अपनी इच्छा को नहीं मार पाते, एडिक्शन को नहीं मार पाते, खत्म नहीं कर पाते, ये बहुत बुरी बात है। चलो, स्मोकिंग को तो बता दिया हमने, कैंसर होता है, फलाना फलाना, इसके ऊपर भी वीडियो हमारे, स्मोकिंग में एग्जैक्टली क्या केमिकल है वो सब हम बता चुके हैं, और वो केमिकल से कैंसर होता है, क्या क्या आपके बॉडी के अंदर होता है, राइट। और आपके लंग में, सुन लो, लंग, ब्लैडर, मुंह का, माउथ का, फायरिंग्स का, पैनक्रियास का, स्टमक का, किडनी का, लैरिंग्स का, इसोफेगस का, सबके कैंसर हो सकते हैं, बहुत जोरदार चीज है। हार्ट की, हार्ट डिजीज, एम्फाइसीमा, लंग्स की डिजीज, COPD, सब हो सकता है, बहुत बढ़िया कॉज है, डॉक्टरों के लिए चांदी है और आपकी ऐसी तैसी है, पर डॉक्टर खुद बोल रहा है मत करो, तो चांदी चूंदी की जरूरत नहीं हमको, समझ रहे हो। सेकेंड हैंड स्मोक भी खराब है, अगर आप नहीं पीते, आपके साथ वाला पीता और आप उसके साथ में स्मोकिंग अंदर ले रहे हो, स्टिल दैट इज बैड। सेकेंड हैंड स्मोक किल्स 62,000 अमेरिकन्स एवरी ईयर, अमेरिकन्स, क्योंकि सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, भैया मजाक दिल लगी नहीं है, डोंट प्ले विथ योर सेल्फ। सुन लो, पहले जाने की जरूरत ना है कहीं, सुन के जाओ।
अब जब चेक किया कि एक सिगार, एक सिगरेट, एक इंडोर रेस्टोरेंट में जब स्मोक किया जाता है तो उसमें जहां भी स्मोक करते हैं, वहां खाना खाने भर से आपको दिक्कत हो जाएगी। वहां खाने भर से, वहां पे खाना रहने, वहां खाने खाने भर से भी आपकी जो दिक्कत है वो बढ़ जाएगी, आपका रिस्क बढ़ जाएगा, याद रखिए। बहुत ज्यादा इशू है, याद रखिए, टोबैको में इट्स अ डेंजरस थिंग। फर्स्ट हैंड स्मोकर डेंजरस, सेकेंड हैंड स्मोकिंग और ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट है, मतलब गलती की नहीं फिर भी सजा, सो इट्स अ बैड थिंग। टोबैको से कैंसर हो रहा है, ओरल कैंसर, राइट? जब आप टोबैको और अल्कोहल, दारू और सिगरेट दोनों कंबाइन कर देते हैं तो जो उसके वजह से ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर का रिस्क है, ये 15-15 गुना बढ़ जाता है, 15 गुना, राइट? और ये सारे रेफरेंस्ड डेटा बता रहा हूं मैं आपको, ओरल कैंसर फाउंडेशन, जो पूरी वर्ल्ड का इंटरनेशनल ओरल कैंसर फाउंडेशन की तरफ से। ये रेफरेंस चीजें अपने मन से नहीं बता रहे, ओरल कैंसर लिटरली आपके मुंह से एक एक स्माइल जो आप हंसते हो वो हटा देगा। मुंह का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे टेढ़ा टूढ़ा हो जाएगा वो, याद है ना फोटो में दिखाते थे हर पिक्चर सिनेमा हॉल, क्या नाम है उसका, लिखो उस कमेंट कमेंट में लिख के बताओ, मैं भूल गया क्या नाम है उसका। अरे चलो, द पॉइंट इज गलती कर रहे हो और उसका कोई बहाना नहीं है कि हाँ मेरे को आदत हो गई है, मैं क्या करूं, मुझे मोशन नहीं आती, मुझे टट्टी नहीं आती, मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता। दैट इज नॉट बिगर देन ऑल दीज थिंग्स, देन देन कैंसर देन लाइफ। एक बार बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, होगी कैंसर से आपको, टबैको से आपको कैंसर होगा, होगा ही होगा, सबको होगा जो टबैको यूज कर रहा है वो होगा, लगातार यूज कर रहे हैं 5 साल 10 साल होगा। हो सकता है किसी को जल्दी हो, किसी को बाद में हो सकता है आपको कैंसर के पहले कोई और चीज मार दे, कोई और बीमारी मार दे, लेकिन होगा, ये बात याद रखिए, समझे? लिटरली सिर्फ अमेरिका में 50,000 से ज्यादा नए ओरल कैंसर के, वहां तो बहुत अच्छी हाइजीन है, ओरल कैंसर के पेशेंट्स पाए जाते हैं हर साल, हर साल। अब इसमें अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है, ओरल कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। और टोबैको क्या करता है, आपके अंदर के जो म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको मार देता है, सब म्यूकस ओरल फाइब्रोसिस कर देता है, इतना कि वो कड़क हो जाते हैं, मुंह खोलना ही कम हो जाता है, मुंह कम खुलता है, मुंह खोल ही नहीं पाता आदमी, ये भी हो जाता है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, बहुत डेंजरस चीज है। बहुत खतरनाक बीमारी है आपकी, टोबैको ना करें, अपने आप पे दया करें थोड़ी।